सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 13 फरवरी को एक बार फिर हरियाणा पंजाब के किसान संगठनों ने अपनी अधूरी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, जिसको लेकर किसान बड़े युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सोनीपत पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और पोस्ट करने वालों पर नजर बनाए हुए है। देश में किसान आंदोलन की आहट से सरकार और पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। हरियाणा में दिल्ली से लगते जिलों में सिविल और पुलिस प्रशासन धारा 144 लगा रहा है। सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जिसमें कोई भी किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च और जुलूस निकालने के लिए पहले पुलिस की अनुमति लेगा और उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च और अन्य प्रदर्शन किए जाएंगे। 5 से ज्यादा आदमियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। हथियारों के साथ पत्थर डंडे एक जगह पर इकट्ठे करने पर रोक है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरी हरियाणा पुलिस इसके लिए तैयारी कर रही है। हमारे मकसद यही है कि शांति बने रहे और हरियाणा के व्यवसाय, हरियाणा के जो कृषि और हरियाणा के जो बच्चों की पढ़ाई, उसमें कोई भंग ना हो और वो लगातार चालू रहे। उसके लिए पुलिस जो जो प्रयास कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं। और जो 144 तो एक मामूली बात है, हर बार जब भी ऐसे संदर्भ होता है, जो 15 अगस्त पे भी हमने लगाए थे उसको कंटिन्यू किया हमने। तो जो भी प्रोटेस्ट या प्रोसेशन जो भी निकालेंगे पुलिस के अनुमति से निकालें, अप्लीकेशन दे के उसके अनुमति के बाद निकालें। फिर फिलहाल हमने उसको बैन किया है, कोई भी प्रोसेशन है 5 से अधिक लोग इकट्ठे होकर जो भी प्रोसेशन और प्रोटेस्ट निकालना है उसको बैन किया है। कल ही बैन कर दिया हमने, सो कल की तारीख में आदेश निकली हुई है। सो सभी से निवेदन है कि सोनीपत एक अच्छा शहर है, यहाँ पे व्यवसाय और यहाँ के जो इंडस्ट्रीज है बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, इसमें कोई वादा ना पहुँचाए और यहाँ पे अच्छे माहौल बना के रखे ताकि और ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए यहाँ पे, यहाँ के लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिले। सर, 13 तारीख को किसान फिर कह रहे हैं कि सोनीपत से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कुछ व्यवस्था होगी, उसके लिए सभी व्यवस्था है, जो जो भी चाहिए है, जो बल जो केंद्रीय बल चाहिए वो भी पहुंच गई है और हमारे पुलिस भी पूरी तैयारी है। और हरियाणा में सोनीपत में किसी भी सूरत में शांति भंग नहीं होने देगा सोनीपत पुलिस। कितनी केंद्र से कितनी रिजर्व पुलिस यहाँ पर मांगी गई है? 50 तो कंपनी मिली है पूरे स्टेट को, उन जिनमें से उस पर जो उचित होगा वो डीजीपी हमको भी देंगे।